हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डी आर लाइक क्रिएटिविटी। आज मैं प्लास्टिक वाला सोफ़ा यानी कि प्लास्टिक से चारपाई बनाना आप लोगों को दिखाऊंगी, कैसे बनाते हैं ये मैं सिखाऊंगी। और अगर आपके पास अगर सोफ़ा नहीं है, बेड नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस प्लास्टिक के सोफ़े से या चारपाई से भी आप अपने घर को बहुत ही खूबसूरत बना सकती है और अपने बालकनी में चार चांद लगा सकती हैं। इस तरह से ये मैंने सारी प्लास्टिक इसकी पुरानी वाली काट दी है और अब मैं ये एक नया प्लास्टिक ले लिया है। ये पूरा रोल मिलता है और इसको यहाँ पर कपड़ा बांध के प्लास्टिक को बांध ली और इसके बाद इसको सीधे सीधे इस तरह से इसमें घुमाते जाना है और टाइट इसको खींच लें। और ध्यान रहे प्लास्टिक हमारी सीधी रहे, ये मुड़े नहीं, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आती है। तो ये सीधे सीधे हमको इस तरह से बिन लपेट लेनी है लेंथ में इसकी। जो ये आपको चकोर सा दिख रहा है ये हमारी पूरी हो चुकी है, ये मैंने पूरी लपेट ली। अब इसको इस तरह से यहाँ पर टाइट से घुमा लें, चाहे तो नॉट लगा सकते हैं और यहाँ पर एक कपड़ा और बांध लें ताकि यहाँ पर ज़्यादा इस पर जोर ना पड़े और ये हमारी प्लास्टिक ख़राब ना हो। ये प्लास्टिक आती है और रस्सी में भी आता है, प्लास्टिक की रस्सी भी आती है, तो मैंने ये वाली प्लास्टिक मंगाई है। तो इसको हमको इस तरह से जिगजैग में बिनना है, एक ऊपर करना है, एक नीचे करना है। ये हमने ऊपर कर लिया, अब हम इसको नीचे कर लेंगे और दूसरा वाला जो है हमारा इसको ऊपर कर लेंगे और नीचे के डबल दोनों हमें लेने हैं, ऊपर नीचे के। यानी कि ऊपर का ले लिया, नीचे का छूट जाता है कभी कभी। तो अगर इस तरह से बिनेंगे तो हमारी ये सोफ़ा या चारपाई बहुत ही मजबूत बनेंगी। और इसको भी सीधा हमें कर लेना है, ये मुड़े ना। इस तरह से आप कर लें, ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे रखते हुए इस तरह से इसको पूरा निकाल लें। प्लास्टिक है, थोड़ी ध्यान से इसको करना है, हाथ कटने का भी इसमें डर रहता है, टाइट है इसलिए भी हाथ कट जाता है, तो हमें बहुत आराम से करना है। और इस तरह से कोई चीज़ ले लें या आप हाथ की मदद से इसको टाइट इस तरह से कर लें। अब ये पूरा हो चुका है एक राउंड और इसको खींच लें, टाइट से खींच लें। अब ये हमारा ये वाला है जो ये नीचे गया हुआ है, अब हमको इसको ऊपर लेना है। इस तरह से हम ऊपर ले लेंगे, ये ऊपर ले लिया है और अब ये जो ऊपर वाला है इसको नीचे करना है ऐसे। तो मैं इसी तरह से अपना सारा काम घर पर खुद ही करती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है खुद करना अपना काम, तो मैं इसलिए खुद ही करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो और भी आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस तरह से हमने ऊपर नीचे, ऊपर का नीचे करना है, नीचे का ऊपर करना है, इसी तरह पूरी हमें ये चारपाई बिन लेनी है। और इसको अंदर की तरफ हमें मिला लेना है, टाइट करना है और खींचना है। ये अब हमारे दो राउंड पूरे हो गए हैं और इसको खींचना है खूब ज़्यादा, इसको खींच लें जितना आप खींच सके उतना खींच लें, नहीं तो ये लूज भी हो सकती है और टाइट ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी हमारा ऊपर है तो हमें इसको नीचे करना है, इसी तरह हमें पूरी चारपाई बिन लेनी है। ये देखिए टाइट हो चुकी है हमारी, टाइट आ रही है, बहुत ही टाइट आ रही है, तो आप ढीला ना छोड़े, इसको टाइट कर लें। इस तरह से आप आराम से बिन सकते हैं, अपना काम घर पे खुद कर सकते हैं। इसमें काफ़ी देर भी लगती है और मेहनत का काम भी है, मेहनत बहुत पड़ती है। तो आप इसका आराम से सोफ़ा बना सकते हैं, जगह नहीं है तो आप सोफ़ा इस पर
बना लें। और देखिए ये हमें नॉट इस तरह से लगानी है, नीचे की तरफ हमको दोनों करने हैं और इसके बाद इसमें इस तरह से नॉट लगा देनी है, ऊपर ना आए वो अच्छा भी नहीं लगेगा और चुभेंगे भी। इस तरह से ये देखिए नीचे की तरफ आ गई है, अगर जॉइंट करना है तो अब इसको इस तरह से बिने। तो आप ये हल्की है तो आप कहीं भी डाल सकते हैं, अपने टेरेस पे डाल लीजिए इसको, बालकनी में और कमरे में। कभी मेहमान ज़्यादा हो जाते हैं तो आप बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप इस पर आप अपना बेड बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर खूबसूरत बेड बना सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को एंड तक पूरी देखें। और इस तरह से एक हमने ये ले लिया है, इसमें एक कील मैंने लगा दी है और इसको अंदर को इस तरह से खींचती जाएँ ताकि ये बिल्कुल सट के आए। जल्दी कोई नहीं है तो आप धीरे धीरे इसको बनाइए आराम से। ये देखिए अब ये मेरा पूरा बन चुका है। और इस तरह से यहाँ पर एक नॉट लगा लें ताकि ये खुले ना, कपड़ा बांध लें और इस तरह से नॉट लगा लें इस पर। तो हमने नॉट लगा ली और इस तरह से मैंने सोफ़ा बना लिया है अपना। देखिए बालकनी में, ये मेरी बालकनी है, कितनी अच्छी यहाँ पे हवा आती है, पर्दे उड़ रहे हैं मेरे। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ये मेरे सारे अपने DIY किए हुए हैं और एक फ्लावर पॉट मैंने इस साइड में रख दिए हैं। ये काफ़ी सुंदर सोफ़ा हमारा बन गया है। आप इस तरह बेड भी बना सकते हैं, अपने टेरेस पे डालिए, बालकनी पे डालिए और आराम से बैठ के चाय पीजिए बालकनी में। बारिश हो रही है तो बारिश का मज़ा लीजिए। बहुत ही खूबसूरत बालकनी डेकोर आइडिया भी ये आपको लग सकता हो सकता है। तो आप इसी तरह से बना सकते हैं घर पर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे भी तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, लाइक करने में कोई वो नहीं जाता है। और इस तरह से आप खाली भी कर सकते हैं बिना बिछाए।